चंडीगढ़ नगर निगम में अब तक की सबसे बड़ी ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सेक्टर 43 की मोटर मार्केट में काफी संख्या में अज्ञात खड़े वाहनों को उठाया गया। नगर निगम की करीब 3 घंटे तक यह ड्राइव चली, जिसमें नगर निगम अधिकारियों की ओर से मोटर मार्केट में काफी समय से अज्ञात पड़े वाहनों को उठाया गया, जिसमें निगम द्वारा 6 ट्रक भर के इन वाहनों को ले जाया गया और चालान भी काटे गए। नगर निगम की माने तो उन्हें काफी देर से शिकायतें मिल रही थी कि मोटर मार्केट में काफी वर्षों से वाहन खड़े हैं, जो ऐसे ही मार्केट के सामने हमेशा खड़े रहते हैं, जिनके मालिकों का कोई अता पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर मोटर मार्केट की ओर से इसका विरोध किया गया, जिनका कहना था कि वे मोटर मार्केट में काम करते हैं तो काफी वाहन खड़े रहते हैं, जिनका वे समय समय पर काम करते हैं। आज नगर निगम ने उन सभी वाहनों को जब्त कर लिया। सानू इतला नहीं दी गई, कॉर्पोरेशन को चाहिए कि सानू हफ्ते 10 दिन पहला इतला दी जाए, सानू इंफॉर्मेशन हो कि असं इनक्रोचमेंट वास्ते मार्केट जा रहे हैं तो असं हेल्प करने रेडी हाँ वास्ते, लेकिन वो बस एकदम आ गए है। तो फिर आप अरुण सूजी ने गल भी की, उन्होंने सानू आश्वासन दिता कि शेड तोड़न भी आ रहे थे, उन्होंने आके ब्रेक लगाती, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉर्पोरेशन भी साड़ी जो हेल्प की है, जो साड़ी गल थोड़ी मान ली, उन्होंने इंक्रोचमेंट चक लिया, पेटियां थोड़ी डंप गड्डी खड़िया होंगे वो चक लिया, कोई ऐसी गल नहीं, असं इन्हें नाल हाँ। लेकिन सन थोड़ा मिस्त्री भरावान इन्ना जरूर होंगे कि साढ़े असी गड्डी रिपेयर की है, कस्टमर गड्डी लैन नहीं आया 6 महीने, साढ़े उस पैसे मर जाते हैं, सानू थोड़ा दुख जरूर है। असी वो कस्टमर को कह के रखांगे कि इन्नी देर गड्डी ठीक होएगी, इन्नी पेमेंट होएगी, अगर एग्रीडेट हों तो ठीक है, और असं इन्नी देर गड्डी खड़ी नहीं करांगे, बिल्कुल भी एक टाइम देवांगे मिस्त्रियों को, टाइम होएगा कि महीने अंदर अंदर गड्डी तुसीं रिपेयर करके दे सकते हो, ये आप कोशिश पूरी करांगे, उसे आश्वासन दिता है। नहीं, अरुण सूद जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपकी शेड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बाकी जो एनक्रोचमेंट जो पब्लिक प्लेस पे एनक्रोचमेंट है वो कार्रवाई होगी और वो होनी भी चाहिए, लेकिन जो शेड है उसके लिए वो कहते हैं कि जो वर्क एरिया है उसके ऊपर शेड है, वहाँ पर जो मैकेनिक काम कर रहा है उसको धूप में वो मैकेनिक काम नहीं कर सकता, बारिश में भी काम नहीं कर सकता, इवन अगर कोई गाड़ी रिपेयर करवाने आया है वो कस्टमर भी धूप में खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए वो शेड आवश्यक है, जो 10 फुट या 12 फुट का वर्क एरिया जो मैकेनिक को अलॉट किया गया है वहाँ पर शेड की आवश्यकता है, और उसके लिए उन्होंने बात किया कि वो प्रशासन से भी बात करेंगे कि ये शेड अलाउ की जाए। नहीं, विरोध हम सिर्फ ये करते हैं कि भी हम चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट ड्राइव से पहले उन्हें मार्केट के प्रेसिडेंट को एक इन्फॉर्म करना चाहिए था, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इस बात का हम विरोध करते हैं। यदि वो मार्केट के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते तो शायद कॉर्पोरेशन को इतना खर्च उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी, प्रेसिडेंट खुद भी इस ड्राइव को चला सकते थे। बता दें कि सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में बिना किसी जानकारी के निगम के अधिकारी पहुंचे हुए थे, जिसका स्थानीय मार्केट के लोगों द्वारा विरोध भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।